हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स की वायरिंग हम डीसीएस तक कंप्लीट करते हैं। पर अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात ये जान लेते हैं कि फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, किस किस टाइप के सिग्नल्स के साथ हमें डील करना होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग और दूसरा आता है हमारा डिजिटल। एनालॉग सिग्नल भी हमारा दोस्तों दो तरीके का होता है, एक होता है एआई एनालॉग इनपुट और दूसरा होता है एनालॉग आउटपुट। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नल भी हमारे दो तरीके के होते हैं, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डीसीएस पे हम जो मॉड्यूल्स यूज करते हैं वो छह तरीके के होते हैं और यहाँ पे अभी हमने चार को डिस्कस किया है। इनके अलावा जो दो और मॉड्यूल्स होते हैं वो होते हैं हमारे आरटीडी और थर्मोकपल के। दोस्तों एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, बट हमारे वो फ्रेंड्स जो भी इस इंडस्ट्री के लिए फ्रेशर हैं, नए आए हुए हैं, उनके लिए मैं कम शब्दों में एनालॉग और डिजिटल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम डिजिटल की बात करें, अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल हमारा सिर्फ ऑन ऑफ होगा, ओपन या क्लोज होगा, जीरो या वन होगा। जब भी हम डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे तो सिर्फ दो कंडीशंस होंगी, है या नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में, जब भी हम परसेंटेज में बात करेंगे, जब भी हम डिजिट्स में बात करेंगे, जैसे 1.5, 6.5, 2.8, कहने का मतलब है जब हमारे जैसे हमारे डिजिटल सिग्नल में दो कंडीशंस थी, है या नहीं है, अगर इन दो कंडीशंस के बीच की इंटरमीडिएट कंडीशंस को भी अगर हम मेजर करना चाहते हैं या मेजर कर रहे हैं तो वो सब सिग्नल हमारे एनालॉग सिग्नल में आएंगे। अगर इसका ग्राफ बनाकर देखना चाहें तो हमारा ग्राफ समथिंग इस टाइप का बनेगा, लाइक साइन वेव। ये मान लीजिए जीरो है, ये हमारा टेन है, ये 1, 2, 3, 4। तो जैसे ही हमारा कोई भी सिग्नल टाइम के साथ ट्रेवल करना शुरू करेगा तो उसका हर एक सेकंड के बाद वैल्यू चेंज होती रहेगी, लाइक किसी टाइम वो 1 होगी, किसी टाइम 2.5 होगी, किसी टाइम पे 3.6 होगी। तो ये हमारा हो गया एनालॉग सिग्नल। अब अगर हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल को लेके, तो जो हमारा डिजिटल सिग्नल होगा उसका ग्राफ हमारा समथिंग लाइक दिस बनेगा। जैसे ये हमारा जीरो हुआ, ये वन है, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन। किसी टाइम पे हमारा मान लीजिए कोई वॉल है, वो हमने ओपन किया, सोलेनाइड वॉल, तो अभी एक इस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो वो ओपन है, बट ये मिली सेकेंड्स में जैसे ही हमने कमांड कट की वो तुरंत का तुरंत जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं फिर से आपको बता दूं, डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, ऑन या ऑफ। एनालॉग सिग्नल में हम ऑन और ऑफ, उसके बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, उनको भी मेजर कर रहे हैं, चाहे वो परसेंटेज में हो, डिजिट्स में हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो वो होगा हमारा एनालॉग सिग्नल। अब बात कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट की, जैसे एनालॉग इनपुट हुआ, एनालॉग आउटपुट हुआ, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। तो ये इनपुट आउटपुट क्या है? अब जैसे मान लीजिए एक हमारा टेक्नीशियन मेरे पास आता है, वो बोलता है कि सर जो हमारा फील्ड में एफएफई पे एक सोलेनाइड वॉल लगा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, मेरे टेक्नीशियन ने मुझे इंफॉर्मेशन दी तो वो मेरे लिए एज ए इनपुट हो गया। अब मैंने अपने टेक्नीशियन से बोला एक काम करो, नया सोलेनाइड वॉल लगा दो जाके। तो नया सोलेनाइड वॉल लगा दो जाके, ये मैंने उसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर का मतलब हो गया आउटपुट। तो ये हुआ हमारा आउटपुट। अब जैसे मान लीजिए हमारा डीसीएस के केस में हम बात करें, एक हमारा टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व है टीसीवी, टीसीवी की जो हमारी प्रोसेस वैल्यू है वो चल रहा है हमारा 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है हमारा, ये हमारा हो गया एनालॉग इनपुट, जो हमने इनपुट हमारे डीसीएस में आ रहा है। और दोस्तों इनपुट के साथ हम डायरेक्टली कभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते,
हम अगर इनपुट के साथ कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा दोस्तों, जो हमारा कंट्रोल वॉल का मैनिपुलेटेड वैल्यू है, हम कंट्रोल वॉल को ओपन क्लोज करेंगे, टीसीवी है, टेम्परेचर कंट्रोल है, मतलब डीएसएच है, डी सुपर हीटिंग सिस्टम। मेरा टेम्परेचर अगर 65 है और मैं चाहता हूं कि वो 100 हो जाए, तो यहां पर हमें पानी को कम करने की जरूरत होगी। तो जो हम कंट्रोल वॉल की यहां से जो कमांड जाएगी, मान लीजिए वो 40% जा रही थी, उसके बाद उसे 20% पे जाना है, तो ये डीसीएस से कमांड निकलेगी हमारे कंट्रोल वॉल के लिए। कंट्रोल वॉल जिस 4-20 मिली एम्पियर से ऑपरेट होगा वो हमारा डीसीएस की तरफ से आउटपुट होगा, क्योंकि यहां पर हम परसेंटेज में या डिजिट्स में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा एनालॉग आउटपुट। यहां पर हमने बात की जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है डिजिट्स में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा एनालॉग इनपुट। इसी तरीके से अगर डिजिटल सिग्नल की बात कर ले, हम किसी पंप को चलाना चाहते हैं, किसी मोटर को चलाना चाहते हैं, या हम किसी मोटराइज्ड वॉल्व को 0-100 कमांड दे रहे हैं, ओपन दे रहे हैं, तो वो हमारा मोटराइज्ड वॉल्व सीधे 0 से ओपन होगा, 100 पे जाकर रुकेगा। तो ये हमारा हो गया डिजिटल आउटपुट। अब कंट्रोल वॉल्व ओपन हो चुका है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए वहां पे हमारी रिले लगी होंगी, वहां से हमें एक फीडबैक मिलेगा, से हमें ये पता चलेगा कि हमारा मोटराइज्ड वॉल्व है वो ओपन हो चुका है या नहीं हो चुका, वो हमारे लिए होगा डिजिटल इनपुट। अब हम बात कर लेते हैं आरटीडी की। आरटीडी का मतलब हुआ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। आप सभी जानते हैं ये हमारा टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो हमारा ओम्स में रेजिस्टेंस में देता है, इसीलिए इसका कार्ड हमें, इसका मॉड्यूल हमें अलग से लगाना पड़ता है। अब यही बात करें थर्मोकपल की बात, तो थर्मोकपल हमें आउटपुट देता है मिली वोल्ट में, इसीलिए हमें इसके लिए भी एक सेपरेट मॉड्यूल लगाना पड़ता है। बट अगर हम आरटीडी से लेकर आरटीडी ट्रांसमीटर में वायर को ले जाएं, तो ये हमारी आरटीडी डायरेक्ट हमारी एनालॉग इनपुट में आ जाएगी। उसी तरीके से थर्मोकपल को हम अगर ट्रांसमीटर के थ्रू अपने डीसीएस को दे रहे हैं, तो वो भी हमारी एआई हो जाएगी। और मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें हम आरटीडी और थर्मोकपल के मॉड्यूल्स लगाने को थोड़ा अवॉइड करते हैं, इट्स बेटर कि हम यहाँ पे ट्रांसमीटर्स लगा दें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई हमारा डिजिटल इनपुट है उसकी वायरिंग हम डीसीएस तक कैसे करते हैं। तो डिजिटल इनपुट की वायरिंग हमारी बेसिकली 5 तरीके से की जाती है, कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो वो सभी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो वायरिंग कनेक्शन होता है वो होता है हमारा डीआई इनपुट वायरिंग विदाउट रिले। सिंगल वायर कनेक्शन दूसरा होता है हमारा डिजिटल इनपुट वायरिंग विदाउट रिले टू वायर कनेक्शन। तीसरा पॉइंट होता है हमारा डिजिटल इनपुट वायरिंग विदाउट रिले टू वायर कनेक्शन विद लाइन मॉनिटरिंग। अभी हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि लाइन मॉनिटरिंग क्या होता है। और ये तीनों पॉइंट्स हमारे जो हैं वो ड्राई के केस में है, ड्राई कॉन्टैक्ट्स। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, डिजिटल इनपुट वायरिंग विद रिले। यहां पे हम रिले का भी यूज करेंगे, ये हो गया हमारा ड्राई कॉन्टैक्ट के लिए। और फिफ्थ नंबर का हमारा जो वायरिंग कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है हमारा डीआई वायरिंग विद रिले वेट कनेक्शन। अब दोस्तों बार बार यहां पे ड्राई और वेट का नाम आ रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ड्राई और वेट क्या होता है। जब भी हम अपने डीसीएस साइड में या मार्सनिक पैनल में किसी एडिशनल सप्लाई का यूज करते हैं, तो वो हमारा हो गया वेट कनेक्शन। वेट का मतलब हुआ भीगा, भीगे का मतलब हुआ हमारा कि हम एक एडिशनल पावर वहां पे यूज कर रहे हैं। अगर हम मार्शलिंग पैनल में कोई एडिशनल पावर अपने किसी भी सिग्नल को एनर्जाइज करने के लिए अगर नहीं यूज कर रहे हैं, तो उस केस में उस तरीके के कनेक्शन को हम बोलते हैं ड्राई कनेक्शन। तो अभी हम सबसे पहला कनेक्शन को समझ लेते हैं कि डीआई इनपुट वायरिंग विदाउट रिले सिंगल वायर कनेक्शन में अगर हमें करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। अपने फर्स्ट पॉइंट को समझने के लिए मैं स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं।
मानिए इधर हमारा डीसीएस हो गया, डीसीएस या कंट्रोल रूम, ये हो गया हमारा फील्ड का सेक्शन। फील्ड में भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ हमने ले लिया जंक्शन बॉक्स, इधर हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम डिजिटल इनपुट की बात कर रहे हैं, किसी डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर सिर्फ हमारा ऑन ऑफ का कंडीशन बनेगी। तो यहां से हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम ले गए जंक्शन बॉक्स में, जंक्शन बॉक्स में हमने दो जगह से टर्मिनेट किया, यहां से हम ले गए अपने डीसीएस पैनल पे। अब क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंगल वायर कनेक्शन की, तो यहां पर ये तो हमारा हो गया चैनल, तो डीसीएस में हमारा यहां पे कनेक्शन होना है। तो जो हमारा नेगेटिव वायर है वो तो हमारे चैनल पे चला जाएगा, और जो पॉजिटिव 24 वोल्ट हमें देना है वो हमें सेपरेटली अलग से देना होगा। तो ये होगा हमारा सिंगल वायर कनेक्शन डायग्राम। तो दोस्तों अभी 24 वोल्ट यहां से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जंक्शन बॉक्स से होते हुए हमारे इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच गई। क्योंकि यहां पर अभी हमारा ओपन सर्किट है इसीलिए हमारा ये कंप्लीट सर्किट नहीं होने वाला, और अभी हमारे पास किसी भी तरीके का फीडबैक नहीं पहुंचेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मोटर का स्टार्टर है RYB, इसके साइड में ही यहाँ पर एक होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट लगा दिया जाता है। होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, जैसे ही हमारा ये कोई भी पंप हो, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये हमारे होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट जो कि अभी हमारा NO पोजीशन में है वो हमारा NC हो जाएगा। तो इसी सर्किट में मैं आपको समझा देता हूं। ये होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट का एक वायर यहां पे आया हुआ है और एक वायर यहां पे है। नॉर्मल कंडीशन में जब ये हमारा मोटर या पंप बंद होगा तो ये वाला जो कॉन्टेक्ट है होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट, ये नॉर्मली ओपन होगा, ये ओपन कंडीशन में है। यहां से 24 वोल्ट आई, यहां पर क्योंकि ओपन सर्किट था इसलिए हमारा फीडबैक हमारे कार्ड तक नहीं पहुंचा। जैसे ही इस पंप को स्टार्ट कर दिया जाएगा ये हमारा NO से NC हो जाएगा और ये 24 वोल्ट अपने सर्किट को कंप्लीट करते हुए हमारे कार्ड तक पहुंच जाएगा, जिससे हमें मोटर का या पंप का रन फीडबैक हमारे DCS में हेल्दी मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है हमारा, टू वायर कनेक्शन। टू वायर कनेक्शन में दोस्तों क्या होता है, ये 24 वोल्ट उसे एक्सटर्नली प्रोवाइड करा रहे थे, अब ये भी हमारा कार्ड से ही जाएगा, ये हो जाएगा चैनल प्लस, ये चैनल माइनस, सेम यही प्रोसीजर रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिंगल वायर और टू वायर कनेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के डीसीएस अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ डीसीएस हमारे सिंगल वायर और टू वायर दोनों ही तरीके के हमें कार्ड्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो टू वायर कनेक्शन, जो हमारा टू वायर कनेक्शन है वो सिंपली सेम हमारा सिंगल वायर की जैसा ही है, बस हमारा जो डिफरेंसेस होते हैं वो एक्सटर्नली की जगह पे हम यहाँ पे कार्ड के थ्रू ही सेपरेटली सबको अलग अलग 24 वोल्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में हमारा क्या था, टू वायर कनेक्शन विद लाइन मॉनिटरिंग। अब ये लाइन मॉनिटरिंग का मतलब क्या हुआ, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों लाइन मॉनिटरिंग में हम दो रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जिसको मैं आपको भी फिगर में बनाकर दिखाता हूं। मान लीजिए ये हमारा R1 हुआ, ये हमारा R2 है, R1 ऑलवेज लेस देन R2। ये क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस टाइप का हमारा जो सर्किट डायग्राम होता है वो सेम हमारा 0.1 और 0.2 की तरह काम करता है, बट लाइन मॉनिटरिंग में यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाता है जो कि हमारा एडिशनल सेफ्टी का। अब एडिशनल सेफ्टी क्या है, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये सर्किट है, अभी ये हमारा क्लोज सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, वही सेम फिगर जैसा हमने कॉन्टेक्टर बनाया हुआ था, यहाँ पे हमने होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट लगाए थे। तो अब ये मान लीजिए ये भी ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, हमारा पंप स्टार्ट हो गया, अभी हमारा इसने NO ने NC बना लिया, बट इन एनी केस
अगर हमारा जो पंप बंद हो जाने के बाद भी हमारा जो होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट है वो ओपन नहीं होता है, मीन्स हमारा ये होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट खराब हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमारा शॉर्ट सर्किट की वजह से हमें जो वहां पे जो फीडबैक मिल रहा है, या हमारा सर्किट के क्लोज होने की वजह से हमें वहां पे हेल्दी फीडबैक मिल रहा है। तो इस चीज को जानने के लिए हम ये लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब ये हम कैसे पता करेंगे? अब जैसे मान लीजिए हमारा सर्किट इस टाइम पे ओपन है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारे डीसीएस के पास पहुंचता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी R1 की वैल्यू हमारे R2 की वैल्यू से कम है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट के कंप्लीट होते ही ये सारा का सारा जो हमारा करंट आ रहा है वो इस मेन सर्किट से होते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से कोई भी करंट हमारा कोई भी वोल्टेज पास नहीं करेगा। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्किट खराब हो जाता है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई हो जाएगा, और हमारे हाई रेजिस्टेंस पे हमें ये पता चल जाएगा कि सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, वो शॉर्ट हो गया है। अब इसका एक दूसरा बेनिफिट भी है, अगर हमारा यहां से ये वायर ब्रेक हो जाता है तो वहां से तो हमारी 24 वोल्ट आ रही है, यहां से सर्किट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या हुआ, यहाँ पे वायर ब्रेक होने की वजह से सर्किट ये कंप्लीट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा पंप स्टॉप नहीं है, हमारा जो है वायर ब्रेक हो चुका है। इस मेथड के थ्रू हम इन चीजों को पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, DI वायरिंग विद रिले। अगर हम ड्राई कॉन्टेक्ट के थ्रू DI वायरिंग करना चाहते हैं, ड्राई कॉन्टेक्ट का मतलब हम एडिशनली कोई भी पावर सप्लाई अपने कंसोल पैनल से, डीसीएस पैनल से, मार्शलिंग पैनल से, कहीं से भी एडिशनली पावर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डीसीएस का चैनल बना देना है, चैनल प्लस, और ये चैनल हमारा माइनस का हुआ। यहाँ पे हम रिले सर्किट बना दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है विद रिले की, तो यहाँ पर एक रिले भी आएगी। तो यहां से हमारा एक सर्किट ये हुआ, क्योंकि हम रिले की बात कर रहे थे तो हमने एक रिले लगा दी, ड्राई कॉन्टेक्ट की बात कर रहे थे तो हमारा डीसीएस साइड से कोई भी एडिशनल पावर सप्लाई हम नहीं देंगे, और यहां से एक हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां से हमारी 24 वोल्ट डीसी आ रही है। अब क्या हुआ, ये हमारे जो दो वायर हैं हमारे एक जंक्शन बॉक्स में पहुंचेंगे, जंक्शन बॉक्स के बाद हमारा ये सर्किट बन गया। दोस्तों अब हमारा सर्किट तो तैयार हो गया, बट क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी है? इसमें मैंने कमी छोड़ रखी है। अब जैसे वही सेम हमारा एग्जांपल, एक हमारा कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट है, हमारा होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट NO से तो NC बन गया, बट यहाँ पे हमें इस रिले को एनर्जाइज कराना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पावर सप्लाई दे देंगे। ये हमारी 24 वोल्ट DC भी हो सकती है, 110 DC भी हो सकती है, ये हमारे सर्किट पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी पावर सप्लाई या कितने के चार्ज यहां से हम देकर इस रिले को एनर्जाइज करने वाले हैं। अब दोस्तों जैसे ही मानिए यहां से हमारी 24 वोल्ट यहां पे जाना स्टार्ट हुआ, जैसे ही ये पॉइंट हमारा मोटर स्टार्ट हुआ, होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट हमारा NO से NC बना, तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा, ये हमारे रिले जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगी। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो ये जो हमारा फेरस मैग्नेटिक कोर का जो हमारा ये कोर बना हुआ है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जैसे ही हमारा ये इससे अट्रैक्ट होगा, ये सर्किट हमारा जो डीसीएस वाला सर्किट है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और हमारी जो हेल्दी जो DI है वो हमारे सिस्टम पे पहुंच जाएगी। और जैसे ही ये पंप बंद होगा, ये सप्लाई सर्किट भी हमारा क्लोज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनना बंद हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद होगी, तो जिस फेरस मैग्नेटिक कोर को हमने मैग्नेटिक फील्ड ने खींचा हुआ था, वो स्प्रिंग जो है वापस उसे अपनी
प्रीवियस पोजीशन पर ले आएगी, जिससे हमें एक फीडबैक मिल जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा पंप है, वो बंद हो चुका है। अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा वेट कॉन्टैक्ट। वेट कॉन्टैक्ट का मतलब ये हुआ कि हमें डीसीएस साइड से सप्लाई देनी है। अगर हमें डीसीएस साइड से सप्लाई देनी है तो ये वाली सप्लाई हमें अब देने की कोई जरूरत नहीं। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। ये सर्किट हमारा इधर से हो गया, ये फील्ड। अब क्या होगा, हमें डीसीएस साइड से सप्लाई देनी है, तो अब हम इसे 24 वोल्ट यहां से देंगे। अब हमने देखा एडिशनल सप्लाई की जो मैंने बात की थी, यहां पर एक सप्लाई हमारे कार्ड के लिए चल रही है और दूसरी सप्लाई हम रिले के लिए यूज कर रहे हैं, और दोनों ही सप्लाइयां ये हमें मास्टरिंग पैनल के अंदर ही कंप्लीट करनी होंगी, इसीलिए इसे वेट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब जैसे ही हमारा 24 वोल्ट यहां तक आएगा, अभी ये हमारा एनओ है, पंप जैसे ही स्टार्ट हुआ एनओ से एनसी बना, सर्किट कंप्लीट, रिले हमारी एनर्जाइज, मैग्नेटिक फील्ड बनी, हमारा ये पॉइंट एनओ से एनसी हुआ, सर्किट कंप्लीट, और हमारे पंप का जो हेल्दी डीआई है, रन डीआई है, वो हमारे सिस्टम पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ टीआई के वायरिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डीसीएस पे हम यूज करने पड़ते हैं, या हमें अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन तरीकों को यूज करना पड़ता है। तो अभी हम अपने चलते हैं डीओ पे, डिजिटल आउटपुट पे।